Okay, next problem. Two metallic wires A and B are of same material and have equal length. If the cross-sectional area of B is double that of A, then which one among the following is the electrical resistance of B? Two wires A or B, same material, and resistivity unki same hogi, length bhi unki equal. R is equal to hota rho L by A. So in dono wires ko compare karein, to resistivity same hai aur length same hai. यानी उनके resistances area से inversely proportional होंगे. Areas के बीच हमको relationship दिया हुआ है cross sectional area B का, मतलब AB area of cross section of B is twice of cross sectional area of A. तो यदि B का area of cross section double है, तो उसका resistance कैसा होगा? Half. यदि इससे हम सोचें, area यदि कैसा है double, तो resistance होगा half. इस तरह मेंटली करने में दिक्कत आती हो तो हम ऐसा लिख लेंगे, इस रिलेशन से RB अपॉन RA, रेजिस्टेंस B का हमें फाइंड आउट करना है इसलिए उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और एरिया से कैसा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी AA ऊपर आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A और यहां आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ B, यहां से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. AA अपॉन AB क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हाफ के बराबर. इसका मतलब RB equals to half RA, और यही हमसे पूछा हुआ था, resistance of B in terms of A, यानि half that of A is the answer. So D is correct. तो बहुत ही आसान question है. तो अभी next question करेंगे, बहुत ही important question है. The resistance of a wire is 10 ohm. If it is stretched 10 times, the resistance will read. तो इसका answer generally बच्चे 100 ohm लिख देते हैं, क्योंकि length 10 times हो गई है. इनिशियल रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो उनको लगता है रेजिस्टेंस भी 10 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर सी करेक्ट होगा, जो गलत है. क्या करते हैं स्ट्रेचिंग में, तो याद रखना चाहिए कि जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका मास कांस्टेंट रहता है, एक्चुअली मास कंजर्व्ड रहेगा. वायर को स्ट्रेच करने में या फिर मेल्ट करके रीकास्ट करने में मास कंजर्व्ड रहता है, यानी मास इज कांस्टेंट. और जनरली वायर्स होते हैं सिलेंडर्स, तो मास को हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को हम लिखेंगे पायर स्क्वायर एल, उसका रेडियस स्क्वायर इनटू लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पायर स्क्वायर, इनटू लेंथ इनटू डी इज कांस्टेंट. तो स्ट्रेचिंग में, मेल्टिंग करके रीकास्ट करने में ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है. अब डेंसिटी बदलती नहीं स्ट्रेचिंग में या रीकास्टिंग में, पाई भी कांस्टेंट है, तो फाइनली हम याद रखेंगे R square L is constant. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद लाएं, रो L अपॉन A, A को हम क्या लिख सकते हैं पायर स्क्वायर. अब स्ट्रेचिंग में या रीकास्टिंग में फिर से हम बात करेंगे इसकी, रेजिस्टिविटी तो ये नहीं बदलती, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और हमको यहां चेंज बतलाया हुआ है लेंथ में, तो हम करेंगे ये कि इसमें इस R square को हम एलिमिनेट करेंगे इस रिलेशन से, R square L equals to constant से R square क्या लिख लेंगे, constant upon L, constant upon L R square को, constant upon L तो reciprocate होके ये L square हो जाएगा. अब यहां ध्यान दें, rho is constant, pi is constant, ये भी एक नया constant है, तो finally resistance L square से directly proportional हो गया. तो क्या याद रखेंगे, जब भी किसी wire को stretch करते हैं या melt करके recast करते हैं, केवल लेंथ में यदि चेंज बतलाया हो तो हम ये रिलेशन लगाएंगे, नॉट आर प्रोपोर्शनल टू एल, बट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ. तो अब हमको बताना है नया रेजिस्टेंस जब उसको हमने स्ट्रेच कर दिया 10 टाइम्स, तो वैसे तो यहीं से आंसर कर सकते हैं, लेंथ यदि 10 टाइम्स हो गई है तो रेजिस्टेंस 100 टाइम्स हो जाएगा, पहले कितना था 10, 100 टाइम्स मतलब नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 1000, यानी आंसर इज डी. पर यदि इसमें दिक्कत होती है तो आप ऐसा लिख लेंगे R2 upon R1, मतलब नया रेजिस्टेंस अपॉन पुराना इज इक्वल टू नई लेंथ का स्क्वायर अपॉन पुरानी लेंथ का स्क्वायर. अब पुरानी लेंथ हम L स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, मतलब L उसका स्क्वायर, नई लेंथ है 10L, तो हो जाएगा 100L स्क्वायर. L स्क्वायर कैंसिल आउट होकर R2 कम्स आउट R1 टाइम्स 100, और R1 है इनिशियल रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा ये 10 into 100, इसका मतलब 1000 ओम इज द आंसर. वैसे तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. अब मान लो किसी सवाल में उन्होंने रेडियस में चेंज बतलाया हो, लेंथ में चेंज नहीं बताया हो, तो क्या करेंगे,
यहां आएंगे और यहां L को एलिमिनेट करेंगे, L बराबर हम रखेंगे कांस्टेंट अपॉन R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R 4 रेडियस पार 4, ये याद रखेंगे, तो स्ट्रेचिंग में याद रखें R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, केवल L में चेंज बताया हो और रेडियस में चेंज बताया हो तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R रेज टू द पार 4, इसका आंसर है 1000 ओम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्स लॉ पर बेस्ड, टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज आर केप्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, इफ द सेकेंड बॉडी इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम अनादर बाय 5 सेंटीमीटर देयर फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी, तो आपको याद आना चाहिए कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू एसआई फॉर्मूला लिखें तो 1/4 pi epsilon naught एप्सिलन आर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वेयर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, दोनों पर चार्ज सेम यहां बताया हुआ है और एयर में इन्हें प्लेस किया हुआ है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 epsilon r की जगह और यहां हम लिख लेंगे k, तो कभी कभी जब कंपैरिजन के सवाल होते हैं तो कूलम्स लॉ को ऐसे लिख लेना चाहिए k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर्ड, ऐसा लिख लेना चाहिए। अब इस केस में चार्जेस कैसे हैं, दोनों पर सेम है, सिमिलरली चार्ज बॉडीज हैं, दोनों पर चार्ज सपोज कर लेते हैं q, तो यहां आएगा q स्क्वायर टाइम्स k अपॉन r स्क्वायर, अब यहां किया क्या है, चार्जेस में कोई चेंज नहीं लाया, सिर्फ सेपरेशन जो पहले कितनी थी 5 सेंटीमीटर उसे अब कितना कर दिया 10 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर पर थे दोनों चार्ज बॉडीज, अब एक को किसी को खिसका दिया है 5 सेंटीमीटर से, तो नई सेपरेशन हो गई 10, चार्जेस में कोई चेंज नहीं लाया है, k इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, हम सीधे बोलेंगे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एंड इफ डिस्टेंस इज डबल्ड तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 1/4 जितना पहले एक्ट कर रहा था उससे 1/4 हो जाएगा, मतलब आंसर विल बी रिड्यूस टू 1/4, डी इज करेक्ट। दिक्कत होती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं f2/f1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए यहां आएगा r1 स्क्वायर f1 के करस्पॉन्डिंग, f2 के करस्पॉन्डिंग यहां आएगा r2, अब डिस्टेंस पहले कितनी है 5, नई कितनी हो गई है 10 होल स्क्वायर्ड टाइम्स पुराना फोर्स मान लो f था, तो नया या f2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/10 स्क्वायर f1, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 यानी f1/4, और पहले यदि वो रिपल्शन का था तो अभी भी वो रिपल्शन का ही एक्ट करेगा, तो आंसर डी इज करेक्ट, रिड्यूस टू 1/4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, आप देख रहे हैं 2 3 ओम के रेजिस्टर्स 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर कनेक्टेड इन द अबव सर्किट इज, हमको हर एक में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, क्या करना चाहिए, जब 6 वोल्ट के अक्रॉस ये दोनों जुड़े हुए हैं दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा और वो कितना होगा जो सोर्स का वोल्टेज है, तो दोनों को 6 वोल्ट दे देना चाहिए और ओम्स लॉ लगा देंगे वी इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई R मतलब 6/3 यानी इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर, इसी तरह इसमें भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो हर एक में से कितना बह रहा है 2 एम्पियर एंड सो A इज करेक्ट। अब यदि टोटल करंट पूछा होता तो यहां हम करंट रूल लगा देते जंक्शन रूल, ये 2 एम्पियर ये भी 2 एम्पियर ये दोनों एडअप होंगे टोटल करंट विल बी 4 एम्पियर विच इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, हालांकि वो नहीं पूछा है हमसे, पूछा है इन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट, तो वो होगा 2 एम्पियर के बराबर, ये इसका आंसर।